थैंक यू पापा इस खूबसूरत तोहफे के लिए, जो हर पल हमें ये एहसास दिलाता है कि आप हमारे साथ हैं, जो हमें राह दिखाता है और हमेशा दिखाता रहेगा। अब हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम खुद को मजबूत बनाएंगे, बिल्कुल अपने पापा की तरह। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के आने से इस आयोजन की रौनक बढ़ गई। अच्छा, अब हम लोग निकलते हैं। नौलखा जी, आप अपनी नई की बहू को विदा करिए पगफेरे के लिए। जी, आते रहिएगा। हाँ, खबरदार मुंह बनाया तो चुपचाप खाओ इसे। चलो। अभी मुझे भूख नहीं, आप ये प्लेट हटा लीजिए। झरझर वाली, इतने साल हो गए तुमको शादी को, अभी तुम्हें बताना पड़ेगा कि इस घर में क्या क्या होता है। तुमने प्लेट हटाई कैसे? बड़को, झरझर वाली के पैर में दही जम गई, वो तो हिलेगी नहीं। प्लेट लगाओ समर की। जी। समर, छुटकी बहू कहाँ है? बहुत देर कर दी तैयार होने में। अरे तुम लोग खड़ी कहो, जाके देखो कि छुटकी बहू कहाँ नहीं तैयार हुई अब तक। वो देखे सासू माँ, आ गई छुटकी देवरानी। अकेली काहे आ रही है? तुम दोनों उसे लेने काहे नहीं गई? जाओ लेके आओ उसे। जी जी सासू मां, मैं वो अम्मा, मैं जाकर भाभी को ले आती हूँ। देखो उसे। आइए भाभी, आराम से। तुम दोनों बहू एक कब समझोगी इस घर की जिम्मेदारी? जियो जागो, सौभाग्यवती रहो। झरझर वाली, छुटकी बहू का नाश्ता लगाओ। समर खाओ बेटा। लेकिन अम्मा मुझे भूख नहीं। दो कर उठा के मुंह जुठारो, लेकिन खाओ। छुटकी बहू, खाना सामने रखा हो और न खाया जाए तो उसे अन्नपूर्णा का अपमान कहते हैं। तुम्हारी अम्मा ने तुमको सिखाई नहीं ये बात? आना खाओ। ठूस लो सिया रानी, क्योंकि जो आसार दिख रहे हैं ना, उसे लग तो नहीं रहा कि ई घर का अन्न तुम्हारे नसीब में बहुत दिन तक लिखा है।
मम्मी मम्मी, मुझे चाची के साथ बैठकर अपनी खीर खानी है। चाची चाची देखिए जरा, चाचू कैसे देख रहे हमको। उन्हें भी हमने हाथ से खिला दीजिए ना। बेटा तुम खिला दो अपने चाचू को अपने हाथ से। ठीक है दादी। अरे सिया, क्या बात है? मायके जा रही हो ना, तो काहे ठीक से तैयार नहीं हुई? अब ऐसे जाओगी तो सब लोग देख के अटर-पटर बोलेंगे ना। अब देखिए ना सासू माँ, कितना सुना सुना लग रहा है। नई दुल्हन तो लग ही नहीं रही है। कितने कम गहने पहने हैं। ई मौके पे तो सज धज के जाना चाहिए ना। बड़को एक काम करो, हमने तुमको शादी में एक जड़ाऊ हार दिया था ना, वो अपनी छोटकी देवरानी को लाके पहना। सज जाए सासू माँ। वो हार वो इस साड़ी पे नहीं फपेगा। जितना कहा जाए सिर्फ उतना सुना। अपनी बुद्धि दौड़ाने की जरूरत नहीं है। जाओ और जल्दी लेके आओ। चलो फिर, देर हो रही है तुम लोग। मुहूर्त शुरू होने से पहले तुम दोनों घर वापस आ जाना, और मुहूर्त शाम 6 बजे तक का ही। उसके बाद घर में लक्ष्मी का आना ठीक नहीं होता है, भद्रा लग जाता है। ये हमारी तरफ से कुछ फल और मिठाइयाँ हैं तुम्हारे मायके वालों के लिए। अब जाओ जल्दी, वरना यहीं देर हो जाएगी। जियो जागो, सौभाग्यवती रहो।
लगता है वो लोग आ गए। अजी सुनते हैं, बिटिया आ गई। प्रभात, सिया आ गई, जल्दी आओ। अरे आइए पापा। खुश रहिए। जीते रहो। प्रीति बेटा, चाय पानी? तो तुमसे बस ये भीख मांग रहे हैं, माता पिता का सम्मान बचा लो। अगर आज हम यहां से खाली हाथ गए तो तुम्हारे पिताजी जीवन भर घूटते रहेंगे। लीजिए बेटा। माफ़ कीजिएगा, मुझे एक ज़रूरी काम की वजह से इस वक्त जाना पड़ेगा। ज़रा अर्जेंट। बेटा ऐसे कैसे? अभी तो आपने कुछ खाया पिया भी नहीं, और ये तो रसम है, आज का खाना आपका हमारे यहाँ ही होगा। आप बैठे ना, दोपहर के खाने के बाद चले जाइएगा। जी आंटी, मैं खाने के वक्त तक आ जाऊंगा। ठीक है मम्मी, कोई बात नहीं, जैसे इनकी सहूलियत। अगर इन्हें जरूरी काम है तो कर लेने दीजिए, लेकिन दोपहर के खाने तक जरूर आ जाइएगा। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। किस मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं? ऐसा किसी के भी साथ होता तो वो ऐसे ही रिएक्ट करता है। जो कुछ भी हुआ उसे स्वीकार कर पाना ना तो आपके लिए आसान है और ना ही सिया के लिए। फिर भी मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि आप मेरी बहन को थोड़ा वक्त दीजिए। आप भी देखिएगा, एक दिन जरूर वो आपका दिल जीत लेगी। सुमर भैया, गाड़ी रेडी है? जी मैं आता हूँ। जी
मम्मी जी कहाँ खोई हैं आप? आप ठीक तो है ना? क्या हुआ मम्मी जी? बताइए मम्मी जी, क्या सोच रही हैं आप? आप इतनी परेशान क्यों हैं? हम सिया के बारे में सोच रहे थे। समझ नहीं आ रहा है कि उससे कैसे पूछें कि दामाद जी का उसके साथ व्यवहार कैसा था। मम्मी जी, बेटा तुम दोनों तो सहेलियों की तरह रहती हो ना। वैसे भी शादी से पहले सिया सारी अपने दिल की बात तुम्ही से कहती थी। तुम सिया से पूछो ना कि वहां सब ठीक है ना। दामाद जी यानी समर जी का बर्ताव कैसा है उसके साथ? दोनों को देख के लगा कि जैसे उनमें कोई बात ही ना हुई हो। तुमने भी देखा होगा, इसलिए बहुत फिक्र हो रही है बेटा। पता नहीं हमारी बेटी कुछ है या नहीं। मम्मी जी आप परेशान मत होइए, हम जरूर पूछेंगे उसका हालचाल। और रही बात समर जी की, तो आज नहीं तो कल वो एक दूसरे को समझ जाएंगे। अब जो हुआ जैसे हुआ उसकी गुण जब तक जाएगी नहीं तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। और मम्मी जी ठीक होने में वक्त लगता है ना। और आप देखना, सिया बहुत समझदार है, वो सब कुछ ठीक कर लेगी, उसे उसकी खुशियाँ सब मिलेगी। भगवान करे जो तुम कह रही हो सच हो। समर सिंह, इतनी लेट लतीफी, पूरा एक घंटा लेट हो तुम। सॉरी सर, असल में वो मेरी शादी की वजह से। शादी क्या, तुम पहले हो जिसकी शादी हुई है? शादी का ये मतलब नहीं कि अपना करियर, अपना क्रिकेट ये सब भूल जाओ तुम। जिस तरह अर्जुन का निशाना सिर्फ मछली की आंख पर था, उसी तरह से तुम्हारा निशाना सिर्फ एक ही जगह पर होना चाहिए, और वो है इंडियन क्रिकेट टीम में तुम्हारा सिलेक्शन। यस सर। लंच के बाद मैं प्रॉपर प्रैक्टिस शुरू कराने वाला हूँ। ओके सर, मैं तैयार। अपना वार्म अप अभी से शुरू कर दो। आप इतना उदास क्यों हैं? बार बार एक ही बात मन को कचोट रही है बेटा, कहीं मैंने गलत फैसला तो नहीं लिया? नहीं पापा, आपने कोई गलत फैसला नहीं लिया है। पता नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे इस फैसले ने तुम्हारे भविष्य को अंधकार में डाल दिया? पता नहीं क्यों ऐसा लगता है बार बार कि। नहीं पापा, आपका फैसला गलत नहीं था, और वो आपका फैसला नहीं, वो फैसला हमारा था, और आपने तो हमारे साथ कभी कोई जबरदस्ती नहीं की। हमने हामी भरी तभी तो आपने हमारे फैसले को अपनाया। और पापा, माँ बाप तो चाह कर भी अपने बच्चों के लिए कभी कोई गलत फैसला नहीं कर सकते। और आप खुद को दोषी क्यों मान रहे हैं? आपने आज तक भैया और हमारे लिए कभी कोई गलत फैसला नहीं किया। पापा, आपको याद है जब भैया बड़े MBA कॉलेज से पढ़ाई करना चाहते थे, जिसकी बहुत ज्यादा फीस थी, और भैया जिद पे अड़ गए थे, पढ़ूंगा तो उसी कॉलेज से पढ़ूंगा। लेकिन आपने उन्हें साफ साफ मना कर दिया था, और आपने उनसे कहा था कि पढ़ना है तो बैंकिंग पढ़ो और कुछ नहीं। और फिर भैया और हम दुखी हो गए थे कि पापा ने हमारी आज तक किसी बात को ना नहीं कहा, तो फिर क्यों ना कहा? और बाद में पता चला वो कॉलेज ही फ्रॉड निकला। और पापा,
आपका उस वक्त का लिया गया सही फैसला भैया की जिंदगी सवार चुका है। भैया को अच्छी जॉब मिल गई, भैया सेटल हो गए और अब देखिए ना भैया कितने खुश हैं।